सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ओपी सा जायंट सा ना एंडरमैन फार्म। तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मैं ना बहुत सारा सामान तो ले आया हूँ इधर के लिए, ठीक है गाइज। और एक चीज़ दिखाऊँ, मेरी स्किन ज़रा देखो भाई, कितनी खतरनाक है भाई साहब, क्रीपर वाली। मैं बाद में क्रीपर फार्म भी बनाने वाला हूँ। तो गाइज, हम ना फटाफट से ना एंड की तरफ जाते हैं भाई। जितना कि मुझे याद है ना कि इस वाले डायरेक्शन में नहीं, हाँ, सबसे पहले एक और काम करना है, शीप मार के ना ढेर सारे कारपेट लेने हैं। तो मैं मिलता हूँ कारपेट लेके। तो गाइज, मैं ढेर सारे कारपेट तो ले आए हैं। तो गाइज, मैं जल्दी से ना सारा सामान इकट्ठा करके ना आपको 2 मिनट में मिलता हूँ, बस 2 मिनट। तो यार फाइनली ना हम लोग सारा सामान ले आए हैं, अब हम लोग ना बस उधर जाना है भाई। यार लाइक कर दो यार प्लीज़ गाइज, और आज का लाइक है मैं 10 लाइक्स, आई होप आप लोग करवा दोगे। तो गाइस, हम लोग ना फटाफट एंड की तरफ बढ़ते हैं। और बाकी मुझे इतना जितना कि याद है कि ना एंड इधर जो डायरेक्शन है ना आगे इधर ही होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं फिर भी यार। तो गाइस ना, मेरे ख्याल से ना डायरेक्शन तो यही है मेरे ख्याल से। और भाई उड़ जाना। हाँ भाई, क्या पता नहीं क्या ग्लिच हो गया था भाई 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 भाई, भाई। तो चलो फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। यार इधर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से एंड। तो जल्दी से ढूंढते हैं, क्या पता इधर ही हो, क्योंकि मैं ना कुछ दिनों पहले आया था इधर। मेरे ख्याल से इस तरफ होना चाहिए, और जैसे ही 1200 ब्लॉक्स होंगे हम लोगों को शायद दूसरी साइड पे मुड़ना है। तो गाइस, मैं स्पीड में फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ी तेज़, ताकि आप लोग बोर ना हो। तो भाई फाइनली ना हमें जगह मिल गई है, देखो भाई गड्ढा भी खोदा हुआ है इधर। हाँ इधर जाना है, और आई थिंक थोड़ा सा आगे। हाँ गाइस, बाकी मुहर्रम चल रहा है इस वो, तो आप लोग कैसे बताना। तो ना फटाफट आगे चलते हैं। अब ना एंड पोर्टल आई थिंक मेरे ख्याल से इधर ही होना चाहिए, देख लेते हैं फिर भी, होना तो इधर ही चाहिए बस। ये आ गए हम लोग। यार लाइटरा पहन लेते हैं, ये ना कि नीचे गिर जाऊँ फिर सारी लूट निकल जाए हाथ से। यार देखो भाई, शीप को मार मार के कितना कुक्ड मटन मिल गया। अब तो भाई खाने की कमी नहीं है भाई, ऐसे ही मार मार के हम लोग खाना ले लें। बाकी मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग के वक्त ना मैंने सोचा शुगर क्राफ्ट को बना लेता हूँ, फिर मैंने देखा वो जो एक होता है लावा बकेट और कोई वाटर बकेट डाल के ना नीचे ना कोबल स्टोन बन जाएगी पूरी लाइन, फिर वो काम नहीं किया। उसी तरह का ना मैंने एक और फार्म बना लिया, तो उस बंदे जिसको मैंने देख के बनाया ना, उसका फार्म है जी लिंक में डिस्क्रिप्शन, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से जाके देख लेना। तो हम लोग ना फटाफट कोई जगह चूज़ कर लेते हैं। बाकी मुझे कोई जगह नहीं मिल रही यार अच्छी। यार इधर इधर ही होनी चाहिए कोई अच्छी सी जगह, मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा यार। आई थिंक इधर बुला लेना चाहिए या फिर इधर। आज मेरे ख्याल से ना हम लोग इधर बना लेते हैं। हाँ इधर बनाने का आइडिया ठीक है, एकदम परफेक्ट जगह मिल गई हमें। अब हम लोग फटाफट इधर बना लेते हैं। और गाइस, इस ये जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट था ना, मैं आपको पहले बता दूं, इधर ना मैं क्या कहते हैं, हम लोग ना इधर शुगर क्राफ्ट बना रहे थे, लेकिन बाकी ना मैंने थोड़ा सही बनाया था, फिर मैंने ना चेंज कर दी डायरेक्शन एकदम अपने स्पॉन पॉइंट के सामने। तो इधर तो इधर से ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यार हमारी असल वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हम लोगों ने ना नया फार्म इधर से बिल्डिंग करना शुरू किया था। तो बाकी ना यार प्लीज़ मेरी वीडियो देख लेना, वैसे लिंक तो डिस्क्रिप्शन में, यार प्लीज़ यार मेरी वीडियो देख के जाना। तो बाकी ना हमें बताया करना है सबसे पहला काम ये है कि हमें 150 ब्लॉक्स अवे जाना है यहाँ से। देखो लीव्स के साथ, लीव्स के बाहर गए ना भाई, अंडरमैन
क्या कहते हैं स्पॉन हो गए ना बंदे को नीचे ही गिरा देंगे। तो भाई यार इसी तरह लीव्स लगा के ना आपको बंदे को जाना। तो यार भाई मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। फाइनली तुम्हारे भाई ने प्लेटफॉर्म बना दिया, मतलब कि 150 ब्लॉक्स प्लेस कर दिए। आपको ये करना है कि दो ब्लॉक्स इधर को और दो ब्लॉक्स इधर का, मतलब कि 5x2 का प्लेटफॉर्म बना लेना है। ठीक है गाइस, ये टोटल 5x2 का प्लेटफॉर्म है, ये आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है। तो गाइस यार प्लेटफॉर्म बनाने के बाद ना आपको दो चेस्ट कुछ इस तरीके से ना इस वाली साइड पे प्लेस कर देने हैं, और आपको ना कुछ होपर्स, ऑलमोस्ट 9 होपर्स ना, देखो एक इधर को आया ऊपर, देखो इधर को एक फेस उसकी तरफ करेगा, देखो एक फेस इधर आया और एक इधर आ गया। ठीक है गाइस, अब इसी तरह ना ये वाला जो होपर है इसको फेस कर देगा। तो गाइस कुछ इस तरह होपर प्लेस करने के बाद ना आपको एक और काम करना है कि आपको ना कारपेट लगा देना है होपर्स के ऊपर। आप ना कारपेट भी लगा सकते हैं और स्लैब भी लगा सकते हैं। तो भाई मैं अभी के लिए ना कारपेट लगा देता हूँ, बाद में मेरे मैं ना चेंज कर दूँगा। अभी के लिए ना होपर के ऊपर ना मैं कारपेट लगा देता हूँ। तो गाइस अब आपको ना एक और काम करना है कि आपको ना होपर के साथ वाला जो ब्लॉक है ना उधर एक ऊपर की तरफ ना ब्लॉक प्लेस कर देना है, और कुछ इस तरीके से ना पूरी की पूरी बाउंड्री बना देनी है। तो यार गाइस अब आपको 3 ब्लॉक ऊपर जाना है कुछ इस तरीके से, देखो इस तरह 3 ब्लॉक्स कर करके ना इस तरह आपको ना इस तरीके से करके ऊपर चले जाना है। देखो भाई इस तरह कुछ तरीके से ऊपर चले जाना। और गाइस मैं यार बता दूं कि मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी, और मैं शॉर्ट्स पे अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि ना मेरे स्कूल खुलने वाले हैं तो मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए मैं ना शॉर्ट वीडियो डालूंगा। और बाकी आपको ना 3-3 ब्लॉक्स करके ना 31 ब्लॉक्स की पूरी हाइट तक की एक बिल्डिंग बना देनी है एक टाइप से। इसको मिला के भाई 36 ब्लॉक्स बनते हैं पूरी हाइट इस बिल्डिंग की। गाइस मैं ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो भाई आपको ना इस तरह करके ना ट्रैपडोर्स लगा देने जब आपका पुल ऊपर तक आ जाओगे। तो यार देखो कुछ इस तरीके से ना ट्रैपडोर आपको प्लेस कर देने हैं इस तरीके से। भाई कूल लग रहा है ना हमारा फार्म, अभी देखना और कूल लगने शुरू हो जाएगा। भाई इतना जायंट फार्म है भाई, इतना एफिशिएंट तो नहीं है। तो गाइज़ यार मैं ना 8 ब्लॉक्स, मतलब के पूरा काम करता हूँ, आपको पता ही है कि 8 ब्लॉक्स करने हैं, वो एंडरमेट वगैरह लगानी है, वो वीडियो में देख लें। तो गाइज़ मैं 2 मिनट में ना आपसे पूरा फार्म बिल्ड करके मिलता हूँ, बस 2 मिनट। तो गाइज़ तुम्हारे भाई ने फाइनली पूरा फार्म बना दिया है, थोड़ा स्लो है लेकिन भाई इतना चलता है, कम से कम फार्म तो बन गया ना भाई। अब अपने बस एक्सपी और इंटरपल की कमी नहीं पड़ी। और भाई देखो मैंने बस थोड़े से इंटरमैंस को मारा और भाई अपनी एक्सपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई भाई, आज के बाद मैं एक्सपी कमी नहीं पड़ेगी। बाकी मैं गोल्डन कैरेट ले आया था क्योंकि हमें खाने की पड़ी बढ़ गई थी। देखो भाई इस तरह कुछ फार्म है हमारा, तो आप भी ज़रूर से बिल्ड करना, अच्छा फार्म है। तो
भाई, ये जावा और बेडरॉक में दोनों काम करेगा। वैसे वीडियो बंदे की मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाके इसको ज़रूर देख लेना और सारा क्रेडिट उसको फार्म कर जाता है। ठीक है गाइज, तो भाई हम लोग वापस चलते हैं इधर। यार बहुत आला फार्म लग रहा है, दूर से भी देखो यार बहुत अच्छा फार्म है, देख लो ज़रा। इंटरवल यार, इंटरवल की इसमें गिर ना जाऊँ। 10 फटाफट चलते हैं इधर। तो भाई यार देखो इतनी जल्दी बहुत सारे इंटरमैन आ गए। तो यार कहीं देख लो कुछ, ये फार्म बनाया है हमने, देखो अच्छा फार्म कर रहा है। तो कहीं आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू मैन लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।